नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मोदी सरकार ने आपको 1,000 रुपये भेजे या फिर नहीं भेजे हैं, मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक करना है घर बैठे सिर्फ 2 मिनट के अंदर, और जो आपकी मोदी सरकार है वो लॉकडाउन के दौरान आप सभी के लिए जो सहायता राशि दे रही है 1,000 रुपये, वो आपके बैंक अकाउंट में आए हैं या फिर नहीं आए हैं, किस प्रकार से चेक करना है, सारी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको सब कुछ चेक करने के लिए आपको आना होगा brdstudy.online वेबसाइट पर। देख सकते हैं आप, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आने के बाद ये जो वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो मोदी सरकार के द्वारा 1,000 रुपये कैसे चेक करना है, वो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखिए मोदी सरकार ने 1,000 रुपये डाले या नहीं डाले, चेक करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये PMFC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप आराम से पहुँच जाएंगे, ठीक है। देखिए PMFC.NIC.IN ये जो वेबसाइट है, देखिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, फिर यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट बाय अकाउंट नंबर। अब अगर आपके पास जो अकाउंट नंबर है उससे आप चेक करना है तो देखिए अपने जो बैंक है बैंक का नेम डालना है। यहाँ पे आपको जो अकाउंट है, जैसे आपके SBI अकाउंट है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सारे जो भी हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर डालना है बैंक ऑफ डाला मैंने, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने जो इसके रिलेटेड बहुत सारे आपके सामने बैंक आ गए हैं। तो अगर आपके साथ आपका जो SBI बैंक है तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेट बैंक वाला इंडिया ऑफ, है ना, देखिए SBI कॉमर्शियल लैंड, इस प्रकार से कर सकते हैं। और आपका जो भी बैंक का कोई नाम है वहाँ पे आपको यहाँ पर लाना, तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला सारे चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपका बैंक है वो आपको डाल देना है, तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का नाम डालना है, फिर देखिए अकाउंट नंबर, जो आपके बैंक अकाउंट में नंबर दे रखे हैं वो आपको डालने हैं, आपके बैंक अकाउंट के नंबर क्या है वो यहाँ पे आपको एंटर करने हैं, फिर देखिए एंटर कंफर्म, यानी कि जो नंबर आपने डाले हैं वही आपको कंफर्म करके यहाँ पे डालने हैं, फिर जो एक देखिए ये आपका कैप्चा कोड दे रखा है इसे यहाँ पर फिल करना है, फिर यहाँ पर सारी जानकारी पढ़ने के बाद सर्च पर क्लिक कर देना है, ठीक है, सर्च का ऑप्शन दे रखा है। देखिए दोस्तों, सारी जानकारी देखने के बाद हमने यहाँ पे देखिए ये जो 1,000 रुपये वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, सक्सेस दिखा रहा है, और 3 अप्रैल को ही आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3 अप्रैल को ही ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और देखिए ये 1,500 रुपये भी आए हैं, किसके 1,000 रुपये आ रहे हैं, किसी के 1,500 आ रहे हैं, तो इस प्रकार से सारी आपको आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर देना, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया किस प्रकार से चेक करना है, तो वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।